राज्य शासन के प्रतिबंध के बाद भी दुर्ग जिले के ढाबों में अवैध रूप से हुक्का परोसा जा रहा है। दुर्ग राजनांदगांव बाईपास के ढाबों में हुक्का परोसे जाने की शिकायतों पर पुलिस की टीम ने रविवार की रात को अंजोरा के सीजी प्राइड और बघेरा के द सर्किल लॉज में छापामार कार्यवाही की। सीजी प्राइड में 3 महिलाओं समेत 12 लोग हुक्का पीते मिले। वहीं द सर्किल लॉज में हुक्का पार्ट सेट फ्लेवर और नशीले सामान मिले। पुलिस ने सीजी प्राइड होटल के संचालक हरीश तलरेजा और होटल के मैनेजर शेख मोहसिन तथा द सर्किल लॉन्च के मैनेजर अंकित वैष्णव को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी एसपी दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कुछ इस प्रकार से दी। कल दुर्ग पुलिस द्वारा दो थाना क्षेत्र पुलगांव थाना क्षेत्र अंजोरा चौकी में जो सीजी प्राइड है वहाँ पर छापामारी की गई और कोटपा एक्ट जो है अमेंडेड उसके तहत वहाँ पे कार्रवाई हुई है। उनके दो मालिक सीजी प्राइड हरीश तलरेजा और मैनेजर शेख मोहसिन को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरी कार्रवाई दुर्ग कोतवाली क्षेत्र में की गई है जिसमें कि सर्कल लॉन्च के संचालक अंकित वैष्णव को जो है गिरफ्तार किया गया है। सीजी प्राइड में 12 लोग जो है हुक्का का इस्तेमाल करते हुए पाए गए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। पिछले महीनों से शिकायत आ रही थी कि सैटरडे संडे को स्पेसिफिकली हुक्का जो है काफ़ी सारे होटल्स में चलता है। दुर्ग पुलिस लगातार विभिन्न ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी तारतम्य में अभी हुक्का बार के ऊपर कार्रवाई की गई। सभी संचालकों से मेरा आग्रह है, होटल संचालकों से, कि प्रतिबंधित चीज़ों का इस्तेमाल ना करें अन्यथा उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाए।